आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोयाबीन की खरीदी अब 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। 15 अगस्त से बदल जाएगी रेलवे की समय सारिणी, ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्रा में लगेगा कम समय। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया सी विजिल ऐप, और राजभवन पहली बार आम नागरिकों के लिए खुला, 15 अगस्त तक देख सकेंगे आम लोग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आगरमालवा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की खरीदी अब 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। वहीं प्रदेश में खेती का रकबा 40 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 80 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबी कम करने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। वहीं भाजपा सरकार हर वर्ग हर समुदाय के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने आगरमालवा जिले के किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत राज्य की 230 विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। देश भर में रेलवे की समय सारिणी 15 अगस्त से परिवर्तित होगी। इसका असर लंबी दूरी की 500 ट्रेनों पर पड़ेगा। नई समय सारिणी लागू होने के बाद ट्रेनों को अंतिम स्टेशन तक पहुंचने के में 2 घंटे की कमी आएगी। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई समय सारिणी रेलवे की वेबसाइट पर 13 अगस्त तक अपलोड कर दी जाएगी। 14 अगस्त की रात 12 बजे से ये लागू होगी। IRCTC में टिकट बुक करा चुके यात्रियों को संदेश भेजना शुरू कर दिया गया है। यात्री रेलवे पूछताछ विभाग से ट्रेन का समय पता कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीवीपैट मशीन की पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग वीवीपैट और ईवीएम की रैंडम जांच करे। कमलनाथ ने मांग की है कि चुनाव आयोग कम से कम 10 पोलिंग बूथ पर लगाई गई वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों की जांच करे। हालांकि चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के सार्थक परिणाम प्रदेश में भी सामने आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ग्वालियर जिले में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति को समाहित किए हुए एक लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया। नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक भारतीय पर्यटन अनिल ओराव ने बताया कि हमारे देश में एकता में विविधता देखने को मिलती है। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हम लोग लिया है मध्य प्रदेश का साथ, अभी हम लोग मणिपुर और नागालैंड का कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग का बहुत सारे हैं। जैसे कि एक तो है हम लोग का जो डाइवर्सिटी है उसका हम लोग को एक साथ जुड़ना है। जो नए जेनरेशन है इन लोग को थोड़ा फार फ्लांग एरिया वगैरह में हम लोग का अपना जो संस्कृति, अपना जो खाद्य है, अपना जो कल्चर है, अपना जो रहन सहन है, उसको हम लोग ठीक से नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं। हम लोग का देश में इतना डाइवर्सिटी है, इतना अच्छा है, जो हम लोग अगर देखते जाएं हमारे देश को तो हम लोग का एक जन्म भी पूरा नहीं होगा। वहीं इस पहल के प्रभारी एमके दास ने बताया कि इस तरह के आयोजन से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो फेस्टिवल है उसको बनाने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य कारण है जो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ होता है इंडिया टूरिज्म दिल्ली की, उनकी सहायता और MP टूरिज्म बोर्ड का कोलैबोरेशन में और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का स्टाफ एंड स्टूडेंट्स मिलके एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम बनाए हैं। इसका मेन शीर्षक यही होता है क्विजीन एंड कल्चर। इसका मतलब यही होता है व्यंजन और जो ट्रेडिशनल कल्चर परंपरा, इसी परंपरा को लेके हम ये जो फेस्टिवल बना रहे हैं। इसमें हमें तरह तरह का खाना बनाएंगे, उसमें हमें यही सीख मिलेगा कि उनका खाना भले ही नॉन वेज हो या भले ही वेज हो उसमें काफ़ी अंतर है। तो यही खाना को देख के हमें मालूम चलेंगे कि ये भी हमारा भारत की स्टेट है, वहाँ पे भी ऐसे खाना पीना मिलता जाता है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार का लालच देने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर 100 मिनट में कार्रवाई सुनिश्चित करा सकेगा। सूचना देने वालों का नाम भी पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। राजभवन पहली बार आम नागरिकों के लिए आज से 15 अगस्त तक खुला रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर राजभवन को सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक जनता के लिए खोला गया है। हालांकि आम लोग शाम 7 बजे से ही जा पाएंगे, जबकि स्कूली बच्चों के लिए राजभवन दिनभर खुला रहेगा। आज महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण स्कूली छात्र छात्राएं देखे गए। बच्चों में राजभवन देखने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश के शहडोल जिले सहित देश के 648 स्थानों में 21 अगस्त से इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम से इस पोस्टल बैंक की शुरुआत करेंगे। शहडोल के डाक अधीक्षक ने बताया है कि ये बैंक पूरी तरह से डाकघर के अधीन होगा। इसकी पहुंच शहर से लेकर गांव तक होगी। इस बैंक के खुलने से जल्दी ही हर गांव बैंकिंग सुविधा से जुड़ जाएगा। शुरू में बचत बैंक खाता और चालू खाता दो तरह के खोले जाएंगे। ग्राहकों को QR कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे अपने पैसे की निकासी और जमा कर सकेंगे। प्रदेश में पंचायत राज और ग्राम अधिनियम के तहत 15 अगस्त से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत राज आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम सभाओं में जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ग्राम सभा की सूचना पंचायत भवन के सूचना पटल और सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना की राशि और प्रगति पर चर्चा, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, आवास ऐप, ग्राम को खुले में शौच से मुक्त जैसे कई कार्यक्रम और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शनिचरी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के मौके पर आज प्रदेश में अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। उज्जैन में हजारों श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाकर विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। इस मौके पर पितरों की स्मृति में पौधे लगाने के महत्व को देखते हुए पौधरोपण भी किया गया। राजधानी भोपाल के शनि मंदिरों में खासतौर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं आगरमालवा जिले में श्री बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने बाणगंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। खंडवा में भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। सतना में इस अवसर पर भक्तों ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। वहीं डिंडौरी, गुना सहित अन्य जिलों में भी इस अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम किए गए। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सागर, रीवा और शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना में छतरपुर जिले में 1,19,000 से अधिक हितग्राहियों का 75 करोड़ से अधिक के बकाया बिजली बिल माफ किए गए। सीहोर जिले के डॉक्टरों ने आज अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की। सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। अशोकनगर में निर्वाचन आयोग ने फोटो निर्वाचन नामावली की पहली प्रकाशित सूची के बाद दावे आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। शहडोल में दस्तक अभियान के तहत 206 कुपोषित बच्चे मिले हैं, जिनमें 103 अति कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए अलग अलग NRC सेंटरों में भेजा गया है। राजधानी भोपाल स्थित मानस भवन में आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोयाबीन की खरीदी अब 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। 15 अगस्त से बदल जाएगी रेलवे की समय सारिणी। ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्रा में लगेगा कम समय। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया सी विजिल ऐप। और राजभवन पहली बार आम नागरिकों के लिए खुला, 15 अगस्त तक देख सकेंगे आम नागरिक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।